एक कुंडली 100 समाधान, देश की हर ज्योतिषीय पद्धति के समावेश के साथ संपूर्ण आकर्षक और सबसे सटीक एस्ट्रोसेज बृहत कुंडली आज अभी लें, क्योंकि भविष्य में ही छिपे हैं जीवन के संकेत। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी हीलर, एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड रीडर अलंकृता मानवी। आप देख रहे हैं एस्ट्रोसेज टीवी। जी हां दोस्तों, इस प्रोग्राम में, बोले सितारे प्रोग्राम में, मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत वेलकम करती हूं, अपने तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करती हूं। जी हाँ दोस्तों, 2020 यानी 2020 बहुत ही एक्साइटिंग ईयर होने वाला है ये। और 20 और 20 अंक बनता है 4, यानी यूरेनस का नंबर। यूरेनस बहुत तरक्की पे तो लेके जाता है, लेकिन उससे साथ साथ बहुत मेहनत भी करवाता है। तो ये साल आपके लिए क्या लेके आने वाला है वो मैं आपको बताऊंगी इस प्रोग्राम में। तो शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की। आइए दोस्तों, कुछ काम विशेष करते हैं, रोशन गाँव, गली, मोहल्ला और देश करते हैं। गणपति गजानन महाराज जी के में वंदन करते हुए अपने इस कार्यक्रम का शुभ श्री गणेश करते हैं। ओम वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं मेष राशि वालों से, यानी कि एरीज, जो कि बहुत ही सेंसिटिव, बहुत प्रैक्टिकल और जीवन में बहुत तरक्की करने वाले लोग होते हैं। आइए देखते हैं इनकी किस्मत में क्या लिखा हुआ है। शुरुआत करते हैं हेल्थ से। तो टायरो बताएं इनकी हेल्थ पूरा साल कैसे रहने वाली है 2020 में। तो ये रहे इनके हेल्थ के कार्ड्स। देखिए, हेल्थ वाइज आपको प्रोग्रेस मिलेगी, आध्यात्मिक, जितना आप अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाएंगे उतना आपका मन शांत रहेगा, आपका हार्ट चक्रा बैलेंस रहेगा और आपका इमोशनल सेल्फ भी कंट्रोल में रहेगा। और बहुत समय से अगर आप किसी बीमारी का सामना कर रहे हैं तो 2020 में आपको बेहतर महसूस आप करने वाले हैं। और बहुत समय से अगर आपने डॉक्टरी जांच नहीं करवाई है तो अब वक्त आ गया है कि आप अपनी डॉक्टरी जांच करवाएं और जो भी आपके ड्यू हेल्थ चेकअप्स हैं उन्हें आप करवा लें। कुल मिला के 2020 में आपकी हेल्थ जो है वो न्यूट्रल रहने वाली है। और जितना ज़्यादा आप कॉस्मिक ऊर्जा गेन करेंगे, यानी कि ध्यान लगाएंगे, उतना आपके लिए बेहतर रहेगा अकॉर्डिंग टू दिस कार्ड। तो आइए दोस्तों देखते हैं एरीज के कार्ड्स इन टर्म्स ऑफ जॉब, इन टर्म्स ऑफ करियर, इन टर्म्स ऑफ नौकरी और माया में कैसे रहने वाले हैं। क्योंकि सबसे बड़ा सुख होता है निरोगी काया, उसके बाद होता है घर में हो माया। तो देखते हैं कि माया की अगर हम बात करते हैं तो क्या इनके घर में धन धान्य और प्रॉस्पेरिटी और नौकरी में तरक्की इनको मिलेगी, या फिर क्या कहते हैं इनके सितारे। देखिए, वज्र कार्ड आया है, यानी कि आपको मेहनत निरंतर करते रहना होगा। जैसी आप मेहनत डालेंगे, जैसे आप कर्म करेंगे, वैसा ही आपको रिजल्ट भी मिलेगा। वो कहते हैं, किसी ने बहुत सही बात कही है, सुर बिन मिले ना सरस्वती, गुरु बिन मिले ना ज्ञान, जैसे कर्म करोगे वैसे फल देगा भगवान। तो यानी आप अगर किसी चीज में मेहनत डालेंगे तो वो इस साल निष्फल नहीं जाएगी, उसके रिजल्ट्स आपको तुरंत मिलेंगे। तो निरंतर जो है अपने संकल्प दृढ़ रखिए, मेहनत करते रहिए, रिजल्ट ओरिएंटेड रहेगा ये पूरा साल आपके लिए। और अब बात करते हैं रिलेशनशिप, यानी कि प्यार, मोहब्बत और हमारे रिश्ते, क्योंकि रिश्तों से ही हमारी जिंदगी बनती है ना दोस्तों। आइए क्या कहते हैं मेष राशि वालों के सितारे, कैसा रहेगा ईयर 2020 उनके लिए इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। तो ये रहे बहुत बड़ा बदलाव। री इनकार्नेशन कार्ड आया है, यानी कि जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं एक अच्छे रिश्ते की, तो शादी के लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है ये पूरा साल। और रिश्तों की अगर हम बात करें तो बहुत समय से रिश्तों में अगर गड़बड़ चल रही है या आपके पति पत्नी के संबंध बेहतर नहीं है तो इस साल पीस ट्रीटी हो जाएगी और एक नया बदलाव होगा, जो कि पॉजिटिव बदलाव होगा इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। तो दोस्तों, मेष राशि 2020 अगर आप चाहते हैं कि आपका गोल्डन ईयर साबित हो तो आप अपने बुध को बेहतर करिए, कुछ पेड़ पौधे अपने हाथ से ज़रूर लगा दीजिए, अपने लिविंग रूम में कुछ प्लांटर्स लेकर आइए, उसको थोड़ा लाइफ गिविंग एनर्जी दीजिए, तो आप देखें आपका बुध बेहतर होगा। और कुछ हरा चारा आप घोड़े और गाय को खिलाइए, तो देखिए आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी बनी रहेगी और आपके लिए
इस साल जो आपका लकी कलर है वो है एमरल्ड कलर यानी ग्रीन कलर. ग्रीन कलर आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है अकॉर्डिंग टू माय टैरो कार्ड्स. जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी टॉरियंस की, वृष राशि वालों की. देखते हैं वृष राशि वालों के किस्मत में क्या लिखा हुआ है 2020 में. टायरो बताएं वृष राशि यानी टॉरियंस की किस्मत में क्या लिखा हुआ है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ वेल्थ और इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप. तो ये रहे वृष राशि वालों के कार्ड्स जो मैं यहां उठा रही हूं. सबसे पहले उनकी हेल्थ, अब बात करते हैं उनकी वेल्थ की और अब बात करते हैं उनकी रिलेशनशिप की. वृष राशि वालों आपके लिए गुड न्यूज है क्योंकि कहीं से आपको गड़ा हुआ खजाना मिल सकता है और यह बात बिल्कुल झूठ नहीं है क्योंकि धन के लिए बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आए हैं. पॉट ऑफ गोल्ड कार्ड आया है जो कि दर्शा रहा है कि कहीं से आपको हो सकता है आपके अपने रिलेशंस में से कोई आपको बेनिफिट पहुंचाए, हो सकता है आपका नया व्यापार आपको धनराशि पहुंचाए, हो सकता है आपकी कहीं ऐसी जॉब लग जाए जो आपको बहुत फिनेंशियल गेन्स दे सकती है इस पूरा साल. हो सकता है साल के मध्य में आपको ये गुड न्यूज सुनने के लिए मिले, लेकिन मिलेगी जरूर, थोड़ा सा धैर्य और हौसला बनाए रखें. अब बात करते हैं आपकी रिश्तों की. तो रिश्तों में दो लोग मिलकर एक कुछ नया अच्छा क्रिएट कर सकते हैं. संतान सुख के लिए भी बहुत अच्छा साल है वृष राशि वालों के लिए. कोई नया रिलेशनशिप आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है, कोई नई पार्टनरशिप आपकी लाइफ में एंटर कर सकती है. तो कुल मिला के बहुत ही गोल्डन ईयर रहने वाला है ये टॉरियंस के लिए, वृष राशि वालों के लिए. मेरी भी वृष राशि है तो मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि गोल्डन पीरियड दिखा रहे हैं यहाँ पे कार्ड्स. और आपके लिए जितना ज़्यादा आप गुलाबी रंग का यूज़ करेंगे उतना आपके लिए और भी अति उत्तम हो जाएगा ये पूरा साल. और एक छोटा सा उपाय मैं आपको बताती हूँ, आप अपने घर के बाहर कुछ जिस तरह से डॉग्स हैं या फिर चींटियां हैं, काले रंग की चींटियों को आप कुछ चीनी खिलाइए, काले रंग के जो कुत्ते हैं उनको आप दूध या फिर रोटी खिलाइए, उस वो आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा पूरा साल. तो ये थी आपके लिए एक छोटी सी टिप और एक ईश्वरीय उपाय. तो आइए दोस्तों, आप बारी है हमारी अगली राशि यानी जेमिनाइज मिथुन की. आइए देखते हैं 2020 मिथुन राशि वाले लोगों के लिए क्या नया लेके आने वाला है, क्या उनकी प्रॉब्लम्स दूर होंगी, क्या उनकी लाइफ में उनको सॉल्यूशंस मिलेंगे और 2020 के आंकड़े उनके लिए कैसे रहेंगे. आइए देखते हैं अपने टैरो कार्ड्स के जरिए. तो ये रहे जेमिनाइज के कार्ड्स. टैरो बताएं जेमिनाइज की किस्मत में क्या लिखा हुआ है. सेहत, नौकरी और साथ ही में लव रिलेशनशिप्स की अगर हम बात करें तो ये रहे इनके कार्ड जो मैं उठा रही हूँ. इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ वेल्थ, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप. तो सबसे पहले हेल्थ की बात करें तो आपको डिवाइन अम्ब्रेला यानी कि एक ईश्वरीय शक्ति आपकी मदद कर सकती है पूरा साल. अपने आप को प्रोटेक्शन में जितना ज़्यादा रखेंगे, एक सरेंडर मोड पे आप चलेंगे, उस परमपिता परमात्मा का नाम लेके दिन की शुरुआत करेंगे और उस ऊर्जा से अपने आप को भी एक प्रोटेक्शन लेयर बना के चलेंगे तो आपकी बीमारी जो बहुत समय से आप के साथ चल रही है वो भी धीरे धीरे दूर होती रहेगी. रुद्राक्ष का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, महामृत्युंजय के जाप के साथ दिन की शुरुआत करिए. तो ब्लेसिंग कार्ड आया है, प्रोटेक्शन अम्ब्रेला कार्ड आया है, यानी सेहत जो है वो बेहतर होने वाली है आपकी इस साल. तो दोस्तों, आपको अपने फिनेंसिस को लेकर थोड़ा सा संभल के चलने की जरूरत है. बहुत जल्दी किसी पर ट्रस्ट मत करिएगा. पार्टनरशिप में जाने से पहले बहुत बार सोचिएगा. कोई नया बिजनेस करने से पहले आप बिल्कुल भी केयरलेसनेस अफोर्ड नहीं कर सकते इस साल, तो थोड़ा सा संभल के चलिएगा तो ही बेहतर रहेगा. लेकिन रिश्तों में स्थिरता मिलेगी. बहुत समय से अगर आप कमिटमेंट ढूंढ रहे हैं, स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं या फिर आपको कोई ऐसा पार्टनर नहीं मिल रहा जो आपके जीवन में आपका जीवन साथी बनके आपका साथ दे, तो इस साल योग बन रहे हैं आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिलने के. तो ये रहे आपके कार्ड. अब बात करते हैं आपके लिए येलो कलर जो है वो अत्यंत लाभकारी रहेगा इस पूरा साल. और साथ ही में अगर आप अपने पुराने कपड़े और जूते दान कर दें इस साल तो आपका पूरा साल जो है आपके लिए एक नई एनर्जी, एक रिन्यूड एनर्जी लेके आने वाला है.
जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी कि कर्क, कैंसेरियंस की। बहुत ही ज़्यादा इमोशनल और बहुत ही ज़्यादा केयरिंग होते हैं कैंसेरियंस। आइए देखते हैं कैंसेरियंस के लिए 2020 कैसा रहने वाला है, क्या है उनके कार्ड्स में। तो कार्ड्स बताएं 2020 यानी 2020 कैंसेरियंस यानी कर्क राशि वालों के लिए क्या लेके आने वाला है। तो ये रहे कर्क राशि के कार्ड्स इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, सेहत, और उसके बाद बात करते हैं आपकी नौकरी और धन की, और अब बात करते हैं आपके रिश्तों की। जी हाँ दोस्तों, ये रहे आपके कार्ड्स। तो कुल मिला के बात करें तो नौकरी में आपको कोई इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यानी कि आपको कोई गाइड मिल सकता है जो आपको बेटर आपके पोटेंशियल के हिसाब से नौकरी के लिए गाइड करे इस साल। लेकिन अगर हम बात करें आपकी सेहत की, तो बहुत समय से आप किसी बीमारी का सामना कर रहे हैं, लेकिन अब आप बिल्कुल भी केयरलेस नहीं हो सकते। वो कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी कि आपको अभी उठना है, और आज ही से अगर आप बहुत समय से एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, बहुत समय से अपनी डॉक्टरी जांच जो है आपने होल्ड पे रखी हुई है, तो अब समय आ गया है कि उसे करवा लें। और बात करें अगर आपके रिश्तों की, तो रिश्तों में नया बदलाव आएगा जो आपकी ज़िंदगी को कम्प्लीटली चेंज कर सकता है। और स्ट्रेंथ का ये दर्शा रहा है, एलिफेंट कार्ड की स्ट्रेंथ भी रिश्ते में मिलेगी। बहुत समय से अगर आपने अपना मन मुटाव सॉल्व नहीं किया है, तो कम्युनिकेशन की होती है किसी भी रिश्ते की दोस्तों। तो यहाँ अगर पति पत्नी की अगर रिश्ते की बात करें, तो जिंदगी का सबसे करीबी रिश्ता होता है पति पत्नी का रिश्ता, लेकिन कई दफा हम लोग आपस में बातचीत नहीं भी करें तो मेंटल ऊर्जा बहुत कुछ एक दूसरे को दर्शा देती है। तो अपनी मेंटल ऊर्जाएं एक दूसरे के लिए पॉजिटिव रखें, एक दूसरे के लिए क्लीन रखें, उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा, और कम्युनिकेशन से रिश्तों में स्ट्रेंथ मिलेगी। और आपको भी जीवन में जहां आप कहीं हारा हुआ महसूस करेंगे, तो आपको जो आपका रिश्ता है वो सपोर्ट प्रोवाइड करेगा इस पूरा साल, वो आपके लिए एक स्ट्रेंथ बन के आगे आएगा, ताकि आप इस भागती दौड़ती जिंदगी में थोड़ा सा सुकून महसूस कर सके। तो ये थे कैंसेरियंस के कार्ड्स। अब बात करते हैं कैंसेरियंस के लिए कलर की। तो रेड कलर आपके लिए इस पूरा साल बहुत ही लकी साबित हो सकता है। उसके साथ साथ बात करें, आपको एक ईश्वरीय टिप छोटा सा देती हूँ। बहुत समय से अगर आपने अपनी इनकम से कुछ परसेंट दान नहीं किया है, तो इस साल आप बेशक 1% ही कीजिए, लेकिन आपकी क्षमता अनुसार आप कुछ दिव्यांगजनों को इस पूरा साल कुछ दान करके देखिएगा। आपकी किस्मत बेहतर हो जाएगी, आपको एक नई एनर्जी भी मिलेगी इस पूरा साल। तो ये थे कैंसेरियन के कार्ड्स। मेरी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा लक फैक्टर। जी तो जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं सिंह राशि वालों की यानी लियोज की। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और विल पावर वाले होते हैं लियोज। अब देखते हैं 2020 उनके लिए क्या नया लेके आने वाला है, क्या उनकी किस्मत बेहतर होगी, क्या उनकी प्रॉब्लम्स को सल्यूशन मिलेगा, एक नई ऊर्जा और एक नई उड़ान मिलेगी इस साल। तो देखते हैं क्या कहते हैं उनके सितारे। टायरो बताएं क्या लिखा हुआ है सिंह राशि यानी लियोज की किस्मत में इस अगले साल में। और सबसे पहले बात करते हैं सेहत की, क्योंकि सबसे बड़ा सुख होता है दोस्तों निरोगी काया। तो यहाँ बात करते हैं लियोस की सेहत इन द ईयर 2020। तो ये रहे उनके कार्ड्स, हेल्थ कार्ड्स। अब बात करते हैं कि कैसा रहेगा उनका पूरा साल इन टर्म्स ऑफ करियर, जॉब जो हमारी ज़िंदगी में बहुत ही ज़रूरी होती है। तो ये रहे जॉब के कार्ड्स। और अब बात करते हैं लव लाइफ, रिश्तों की। जी हाँ दोस्तों, देखते हैं लियोस की किस्मत में रिश्ते क्या लेके आने वाले हैं इस पूरा साल। तो ये रहे आपके कार्ड्स। जी हाँ दोस्तों, बात करें अगर सेहत की, तो सेहत में वाइट तारा कार्ड का मतलब है कि सेहत आपकी पहले से इस साल तो आपके लिए पीसफुल रहने वाला है 2020। अब बात करते हैं आपकी, अगर हम बात करें आपकी जॉब की, तो बहुत समय से आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पोटेंशियल के हिसाब से आपको कार्य क्षेत्र में उतना बेनिफिट नहीं हो रहा, तो ये साल आपके लिए बेनिफिट लेके आ सकता है, क्योंकि आप कुछ भी नया शुरू करेंगे तो नई शुरुआत के लिए बहुत ही बेहतरीन साल रहने वाला है 2020। अब बात करें तो रिश्तों की, तो रिश्तों में थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। गुस्से का जवाब आप गुस्से से अफोर्ड नहीं कर सकते। हो सकता है रिश्तों में आपको थोड़ा सा सहज भाव से चलने की ज़रूरत हो, थोड़ा सा एक दूसरे को समझने की ज़रूरत हो, तो अपना धैर्य और हौसला बनाए रखें इस पूरा साल। तो ये रहे आपके 2020 के कार्ड्स। और अब आपको बताती हूँ
ब्लू कलर आपके लिए बहुत ही लकी साबित हो सकता है पूरा साल, और उसके साथ साथ एक छोटा सा ईश्वरीय उपाय जो आप पूरा साल करके देख सकते हैं। मैंने बताया कि आप कुछ प्लांट्स जब अपने हाथ से लगाते हैं तो आपका बुध बेहतर होता है, तो यहाँ पे आप कुछ पेड़ पौधे अपने हाथ से लगा कर देखिए, आपको पूरा साल उसका बेनिफिट मिलेगा। उसके साथ साथ आप अपने घर में एक छोटा सा ईश्वरीय उपाय और करके देखिएगा कि घर में उत्तर पूर्वी केंद्र में आप लगातार कुछ दिन, हफ्ते में, सप्ताह में एक दिन कम से कम अखंड दीपक जला के देखिएगा, आपको पूरा साल उसका बेनिफिट मिल सकता है। मेरी तरफ से लियोस को बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी गुड विशेस। जी हाँ दोस्तों, अब देखते हैं कन्या यानी वर्गोस की लाइफ में क्या लिखा हुआ है इन द ईयर 2020, 2020 उनकी जिंदगी में क्या नया लेके आने वाला है, क्या उनको इस साल तरक्की मिलेगी, क्या उनकी ज़िंदगी में जो वो चीज़ चाह रहे हैं इस साल उन्हें मिल पाएगी। देखते हैं क्या कहते हैं उनके सितारे। उससे पहले किसी ने बहुत ही अच्छी बात कही है दोस्तों, यूं ही नहीं गिरते फूल झोली में, कर्म की साख को हिलाना होता है, कुछ नहीं होता कोसने से अंधेरे को, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे ईश्वरीय कर्म ऐसे हैं जिनको करके हम अपनी ज़िंदगी को तो बदल सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ लगातार हमारी की हुई मेहनत और उस ईश्वर पे हमारा दृढ़ विश्वास कभी भी निष्फल नहीं जाता। तो अब बात करते हैं कन्या राशि वालों की किस्मत की कि 2020 उनके लिए क्या लेके आने वाला है। काज बताएं कन्या राशि की किस्मत में क्या लिखा हुआ है। Here we go, let's see कि उनकी किस्मत क्या लेके आने वाली है। सबसे पहले हेल्थ कार्ड उठाती हूं मैं। अब बात करते हैं उनकी करियर की यानी कि उनकी जॉब की, उनकी पास वेल्थ यानी माया रहने वाली है या फिर नहीं, और ये रहे उनके रिश्तों से जुड़े हुए कार्ड कन्या राशि वाले, तो ये रहे आपके कुल मिला के कार्ड। तो बात करें, बहुत समय से डाउट और फियर में हैं आप, और जो कि डाउट और फियर हमारे दो सबसे बड़े दुश्मन होते हैं, तो किसी भी चीज़ को अगर आपने अपने मन में होल्ड किया हुआ है तो इस साल उसे रिलीज़ कर दीजिए, उस परमपिता परमात्मा पे पूर्ण रूप से सरेंडर मोड पे आ जाइए, तो देखेंगे आप की इमोशनल हेल्थ ठीक होगी तो आपकी हेल्थ भी खुद ब खुद ठीक होगी। ट्रैवल, आपको बहुत सारा पैसा, आप क्योंकि हॉर्स विद मनी कार्ड आया है तो ट्रैवल आपके लिए बहुत ही लाभकारी हो सकती है 2020 में, तो अगर आपको कहीं से कुछ ऑफर मिलता है ट्रैवल करने के लिए तो आपके लिए वो बहुत ही भाग्यवर्धक रहेगा, तो उसे एक्सेप्ट कीजिएगा। अदरवाइज ऑल्सो अगर आप चाहते हैं कि आपकी एनर्जीज थोड़ी सी बेटर हो तो घर से बाहर जितना आप रहेंगे, सोशल रहेंगे, नेटवर्किंग में रहेंगे, उतना आपको फायदा पहुंचेगा। और यहां बात करें रिश्तों की, तो नब्ज दिखाने का कार्ड आया है, तो अकॉर्डिंग टू टायरो रिश्तों के मामले में आपको थोड़ा सा संभल के चलने की ज़रूरत है। कहीं पे किसी रिश्ते में अगर बातचीत की ज़रूरत है या सल्यूशन की ज़रूरत है तो बैठ के आप बातचीत करिए, नए रिश्ते में जाने से पहले या नया कोई मैरिज प्रपोजल है उसमें जाने से पहले अपने डिसीजन पे चेक रखिएगा, क्योंकि निर्णय इन मामलों में हमारा बहुत ज़रूरी होता है। हमारी पूरी ज़िंदगी जो है वो हमारे निर्णयों पर टिकी होती है, कैसा निर्णय हमने गलत या सही ले लिया इस मामले में तो उससे हमारी पूरी ज़िंदगी पे इफेक्ट होता है, तो इस साल थोड़ा सा केयरफुल होके चलिएगा रिश्तों के मामलों में। तो ये थे आपके 2020 के टायरो कार्ड जो मैंने आपको बताए। अब बात करते हैं आपके लिए लकी कलर की। जी हाँ, इस साल आपका लकी कलर हो सकता है ऑरेंज, और आपको उससे बहुत फायदा होगा जितना ज़्यादा आप ऑरेंज का इस्तेमाल करेंगे। और एक छोटा सा ईश्वरीय कर्म जो मैं आपको बताती हूँ वो ये है कि एक घोड़े की नाल आप अपने घर के द्वार पे लगा दीजिए, उससे आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि आपके लिए हॉर्स विद मनी कार्ड आया है, वो दर्शा रहा है कि आपके लिए ट्रैवल बहुत अच्छा है और इससे आपके घर में भी शुभ और मंगल का प्रवेश होगा। जी हाँ दोस्तों, वो किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि अभी ना पूछो हमसे कि हमारी मंजिल कहाँ है, अभी तो हमने चलने का इरादा ही किया है, ना हारे हैं ना हारेंगे कभी, ये किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। जी हाँ, जब हम खुद से कोई भी दृढ़ संकल्प कर लेते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती दोस्तों। आइए देखते हैं हमारी अगली राशि तुला यानी लिब्रा। लिब्रा राशि वालों के लिए 2020 कैसा रहने वाला है और क्या लेके आने वाला है नया उनके जीवन में, तो टायरो बताएं तुला यानी
लिब्रास की किस्मत में क्या लिखा हुआ है। बहुत ही ज्यादा जस्टिस लविंग होते हैं, बहुत ही ज्यादा केयरिंग होते हैं तुला राशि वाले लोग, लेकिन अब उनकी किस्मत क्या कहती है 2020 में, आइए देखते हैं क्या कहते हैं उनके सितारे। तो अब बात करते हैं सबसे पहले उनकी सेहत की, यहाँ मैंने उनके कार्ड उठाए, और अब बात करते हैं उनके घर में वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी कैसी रहेगी, और यहाँ बात करते हैं रिश्तों की। तो ये रहे इनके कार्ड। देखिए सेहत की अगर हम बात करें, क्योंकि ये दिल पे तीर लगा हुआ कार्ड है, तो आपको थोड़ा सा संभल के चलने की ज़रूरत है। इस पूरा साल बहुत समय से अगर आप अपने आप को निग्लेक्ट कर रहे हैं, तो इस साल आप बिल्कुल भी अपने आप को निग्लेक्ट मत कीजिए। अपनी डॉक्टरी जांच, एक्सरसाइज आज से अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये कार्ड दर्शा रहा है कि आप बिल्कुल भी किसी तरह की लापरवाही अफोर्ड नहीं कर सकते इस पूरा साल। अब बात करते हैं माया की, यानी आपके लिए माया की अगर हम बात करें, क्योंकि हम सभी के लिए माया बहुत ज़रूरी होती है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि जिस भी घर में अर्थव्यवस्था अच्छी होती है वहीं प्रॉस्पेरिटी आती है। तो आपकी कुछ विशेष तो पूरी होंगी, लेकिन फिर भी आपको संभलने की ज़रूरत है। बहुत सारी नेगेटिव ऊर्जा या बहुत सारे दुश्मन जो हैं आपको हार्म पहुंचा सकते हैं, तो अपना कोई भी कार्य होने से पहले किसी को बताइएगा नहीं, अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेके ही घर से अपने किसी शुभ कार्य को आप आरंभ कीजिएगा। साल का आखिर आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, लेकिन शुरुआती तौर पर आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन मेहनत कभी भी निष्फल नहीं जाती, वो आपके काम आती ही है, आज नहीं तो कल। तो मेहनत करते रहिए लगातार। और अब बात करते हैं रिश्तों की, तो रिश्तों के मामले में भी आपको यहाँ पे हो सकता है थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स या मनमुटाव आपको रहें। खासकर बात करें तो आपके जो घर के घरेलू रिश्ते हैं भाई भाई में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग रह सकती है, लेकिन बात करें अगर मैरिज प्रपोजल की, तो मैरिज प्रपोजल के लिए ये कार्ड बहुत ही अच्छा होने वाला है। कोई नया शुभ रिश्ता आपके जीवन में आएगा और वो आपके जीवन को बदल सकता है और आपकी जिंदगी की हो सकती है नई शुरुआत। तो ये थे लिब्रास के कार्ड 2020 के। तो बात करें अगर लिब्रास की, तो सफेद रंग यानी व्हाइट कलर आपके लिए अत्यंत लाभकारी हो सकता है। उसके साथ साथ एक आपको अगर ईश्वरीय कर्म और एक छोटा सा टिप बताऊं, तो वो ये है कि आपके घर में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनका आप उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें जरूरतमंदों को दान कर दीजिए। और उससे क्या होगा, जो आपके घर में वो एक ऊर्जा घेरे हुए हैं जिसका आप बेहतर ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं स्कॉर्पियंस की, यानी वृश्चिक राशि वालों की। स्कॉर्पियंस बहुत ही पैशनेट लोग होते हैं, जिस भी रिश्ते में जाते हैं बहुत ही लॉयल पार्टनर्स होते हैं, और कोई भी काम करते हैं तो पूरे मन के साथ करते हैं। आइए देखते हैं इनके कार्ड्स क्या कहते हैं, 2020 इनके लिए क्या लेके आने वाला है। टायरो बताएं स्कॉर्पियंस की किस्मत में क्या लिखा हुआ है 2020 यानी 2020 में। तो ये रहे इनके टायरो कार्ड्स। से पहले बात करते हैं सेहत की, तो ये रहे इनके सेहत से जुड़े हुए कार्ड्स। दोस्तों अब बात करते हैं स्कॉर्पियंस की कैसे रहने वाली है किस्मत इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशन, करियर और वेल्थ। तो ये रहे इनके कार्ड्स। और अब बात करते हैं रिश्तों की, तो इनकी लव लाइफ और रिलेशनशिप्स में क्या लिखा हुआ है इस पूरा साल देखते हैं। ये रहे इनके कार्ड्स। देखिए बात करें सबसे पहले आपकी सेहत की, तो डिवाइन ऊर्जा, जितना ज़्यादा आप डिवाइन से कनेक्टेड रहेंगे उतनी आपकी सेहत, आपकी मेंटल एनर्जी, आपकी इमोशनल एनर्जी और आपकी फिजिकल एनर्जी बनी रहेगी। तो 5 मिनट का ध्यान भी आपको बहुत लाभ पहुंचा सकता है इस पूरा साल। कुछ देर चंद्र में बैठिए शांत भाव से, और फिर देखिए आपको कितना लाभ पहुंच सकता है इस पूरा साल। बात करें आपकी प्रोफेशन की, तो प्रोफेशन में आपको थोड़ा सी स्ट्रैटेजीज, डिप्लोमेसी और एक एक्स्ट्रा मेहनत की ज़रूरत है, जो आपको बहुत ही ज़्यादा लक फैक्टर और सक्सेस दिला सकती है इस पूरा साल। तो सक्सेस आपकी इंतज़ार कर रहा है, प्रमोशन और इंक्रीमेंट भी आपकी इंतज़ार कर रहा है स्कॉर्पियन, सो बी रेडी। और अगर बात करें रिश्तों की, तो ये कंपैशन कार्ड आया है, मदर कार्ड आया है, जितना आप प्रेम बांटेंगे उससे दुगुना आपको मिलेगा भी। जी हाँ दोस्तों, ये तो जीवन का रूल ही है, जो भी हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में आए उसे हम देना शुरू करें। अगर आप चाहते हैं कि आप
की इज्जत हो तो इज्जत बांटना शुरू कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम और रुतबा हो तो जो लोग आपके दोस्त हैं जिनका नाम और रुतबा बढ़ रहा है उनके लिए खुश रहना शुरू कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा प्यार आए तो प्रेम बांटना शुरू कीजिए। और अनकंडीशनल प्रेम यानी कि किसी भाव से नहीं, किसी सेल्फिश भाव से नहीं, तो यहाँ अनकंडीशनल प्यार ये कार्ड आपको दिखा रहा है कि इस साल आपको बहुत सारा अनकंडीशनल प्यार मिल सकता है। स्कॉर्पियंस, जितना ज़्यादा आप उसे बांटेंगे उतना आपके पास लौट के भी आएगा। तो ये रहे आपके कार्ड जो मैंने यहाँ पर बताए। अब बात करते हैं आपके लकी कलर की। जी हाँ दोस्तों, इस साल आपके लिए लवेंडर कलर बहुत ही लकी साबित हो सकता है। एक छोटा सा ईश्वरीय कर्म आपको बताती हूँ जो आप पूरा साल कीजिएगा तो आपको फायदा पहुँचेगा। बैठी हुई लक्ष्मी जी और बैठे हुए कुबेर जी के साथ धन्वंतरी जी का चित्र अपने घर में लगा के देखिए, माया आपके पास खुद ब खुद चल के आएगी। जी हाँ दोस्तों, तो ये रहे स्कॉर्पियंस के कार्ड और मेरी तरफ से आपको बहुत सारी गुड विशेज, बहुत सारा लक। तो दोस्तों अब बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी सैजिटेरियंस धनु राशि वालों की। जी हाँ, बहुत ही ज़्यादा भोले भाव वाले लोग होते हैं ये, बहुत ही क्रिएटिव होते हैं और क्रिएटिव फील्ड में बहुत अच्छा भी करते हैं। आइए देखते हैं इनके सितारे क्या कहते हैं, 2020 इनकी किस्मत में क्या लेके आने वाला है, देखते हैं अपने टैरो कार्ड्स के जरिए। जी हाँ, कार्ड्स बताएं धनु राशि यानी सैजिटेरियंस की किस्मत में क्या लिखा हुआ है 2020 में। तो ये रहे सैजिटेरियंस के कार्ड्स जो मैं देखने वाली हूँ। सबसे पहला सुख निरोगी का आया, तो देखते हैं इनकी हेल्थ कैसी रहने वाली है इस पूरा साल। तो ये रहा इनका हेल्थ कार्ड। अब देखते हैं व्यापार, बिजनेस और वेल्थ की अगर बात करें, पैसे की अगर बात करें, तो उनके लिए कैसा रहने वाला है 2020। तो ये रहे आपके वेल्थ कार्ड। और अब बात करते हैं रिलेशनशिप यानी रिश्तों की और लव लाइफ कैसी रहने वाली है धनु राशि वालों की। तो ये रहे धनु राशि वालों के कार्ड्स। देखिए सबसे पहले बात करते हैं तो यहाँ आपका ये जो कार्ड आया हेल्थ, हेल्थ में जितना ज़्यादा आप अपनी फैमिली के साथ रहेंगे, जितना ज़्यादा फैमिली के अंदर लव और डिवोशन करेंगे तो उतना ज़्यादा आपको उनसे केयर मिलेगी। और वो केयर जो है आपकी सेहत कहीं ना कहीं जहाँ थोड़ा सा डाउनफॉल हो रही है वो बेहतर होनी शुरू होगी। और अपने माँ बाप के आशीर्वाद को लगातार लेते रहिए, उनके चरण स्पर्श करते रहिए, उससे भी आपको फायदा पहुंचे। यहाँ बात करते हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ की। तो प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जो आप बहुत सालों से इंतज़ार कर रहे हैं, 2020 आपके लिए गोल्डन ईयर साबित होने वाला है, क्योंकि कुछ ऐसा बदलाव आएगा जो पूरी ज़िंदगी का रुख बदल सकता है आपकी, कुछ ऐसा नया आपकी ज़िंदगी में ला सकता है जिसकी आप बहुत सालों से इंतज़ार कर रहे हैं। रिश्तों की बात करें तो विश कार्ड ये बता रहा है रिश्तों के मामले में, बहुत समय से अगर आप एक आइडियल पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो अब आपकी ये विश पूरी हो सकती है। और साथ में संतान योग के भी सुख नजर आ रहा है, क्योंकि ये कार्ड दर्शा रहा है कि संतान आपको यहां दिख रही है, तो यहां संतान सुख के भी चांसेस हैं पूरा साल। और एक विश आपकी जरूर पूरी होगी इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। तो ये रहे हमारे सैजिटेरियंस यानी धनु राशि वालों के कार्ड्स 2020 के। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं इनकी लकी कलर की। तो यानी ब्राउन यानी भूरा कलर आपके लिए बहुत ही लकी साबित हो सकता है इस पूरा साल। और साथ ही में एक ईश्वरीय कर्म, एक छोटा सा टिप आपको बताती हूँ जो आप कर सकते हैं ताकि आपका पूरा साल और भी सुंदर हो जाए। अपने घर की एंट्रेंस पे कुछ फूल उगा दीजिए अपने हाथ से या फिर लाके रख दीजिए। और फूल अगर गुलाबी और बैंगनी रंग के हों तो क्या कहने, उससे आपके घर में प्रॉस्पेरिटी खुद चल के आएगी इस पूरा साल। तो दोस्तों बात करते हैं अपनी अगली राशि की जो है मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न्स। बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, मेरे खुद भी दोस्त जो है मैक्सिमम कैप्रिकॉर्न्स हैं और बहुत ही लॉयल पार्टनर्स होते हैं कैप्रिकॉर्न्स। आइए देखते हैं कैप्रिकॉर्न्स की किस्मत में क्या छुपा हुआ है इस पूरा साल, क्या लेके आने वाला है 2020 कैप्रिकॉर्न्स के लिए। टायरो बताएं कैप्रिकॉर्न्स की किस्मत में क्या लिखा हुआ है। हियर वी गो, लेट्स सी कि उनकी सेहत कैसे रहने वाली है। अब बात करते हैं उनके पास माया आएगी या फिर नहीं, क्या कहते हैं उनके सितारे। आइए देखते हैं
लव लाइफ कैसी रहने वाली है कैप्रिकॉन्स की, तो ये रहे उनके सितारे। देखिए कार्ड्स आपको ये दिखा रहे हैं कि इस साल दो एनर्जीज आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, वो है सूर्य और चंद्र की एनर्जीज। सूर्य और चंद्र की एनर्जी आपके लिए सेहत और धन दोनों ला सकती है। तो सुबह जब आप दिन की शुरुआत करें तो सूर्य की उपासना के साथ करें, ओम सूर्याय नमः इस जाप के साथ करें और सूर्य उदय के साथ साथ जगना शुरू कीजिए। आपकी किस्मत बदल सकती है इस पूरा साल। कुछ देर चंद्र में बैठना शुरू कीजिए, चंद्र में सैर करना शुरू कीजिए या फिर आप चंद्र को अर्क भी दे सकते हैं, उससे भी आपकी किस्मत बेहतर होगी। बात करें आपको इस साल जो है आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत मिलेगी और बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा इस साल। अब बात करें आपकी रिश्तों की, तो रिश्तों में थोड़ी सी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, आपको रिश्तों को संभाल के चलने की ज़रूरत है क्योंकि रिश्ते दोस्तों एक पौधे की तरह होते हैं, लगातार उन्हें सींचना पड़ता है प्यार से दुलार से और नरिश करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप एक बार किसी रिश्ते में एंटर कर गए उसके बाद उन्हें भूल जाओ। जैसे आपकी माता श्री आपका ख्याल रखती है उसी तरह से आपको रिश्तों में लगातार जो है रिस्पेक्ट और प्यार और विश्वास बनाने की जरूरत है। और इस साल जितना आप अपने पार्टनर पे विश्वास करेंगे उतना ज्यादा आपका रिश्ता मजबूत होगा। तो ये रहे कैप्रिकॉन्स के सितारे, उनके कार्ड जो मैंने बताए हैं इस साल। अब बात करते हैं आपके लकी कलर की। तो दोस्तों इस साल कैप्रिकॉन्स के लिए स्काई ब्लू कलर बहुत ही लकी साबित हो सकता है। और साथ ही मैं एक छोटी सी टिप आपको बताती हूँ जो आप पूरा साल कर सकते हैं। सो कैप्रिकॉन्स आप लोग, क्योंकि आपके लिए सूर्य और चंद्र दोनों का कार्ड मैंने उठाया है, तो आप कुछ देर चंद्र में बैठिए और शांत भाव से जल ग्रहण कीजिए। एक अच्छी ऊर्जा के साथ, एक अच्छे संकल्प के साथ आप जल ग्रहण करिए। ऐसा आप सप्ताह में 2 या 3 दफा कर सकते हैं तो उससे आपका लक फैक्टर जगेगा, आपकी एनर्जीज बेटर होंगी और ये पूरा साल आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहेगा। मेरी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी गुड विशेस। तो अब बात करते हैं अपनी अगली राशि जो है कुंभ यानी एक्वेरियंस। जी हाँ, ड्रीमर्स होते हैं, बहुत ही ज्यादा इमेजिनेटिव होते हैं, बहुत अच्छे राइटर्स होते हैं एक्वेरियंस। आइए देखते हैं एक्वेरियंस की किस्मत में क्या छुपा हुआ है 2020 में, क्या उनकी किस्मत सवरेगी और क्या लेकर आने वाला है 2020 उनके लिए। टायरो बताएं एक्वेरियंस की किस्मत में क्या लिखा हुआ है, हियर वी गो, जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक्वेरियंस की सेहत की, तो ये रहे उनके सेहत से जुड़े हुए सितारे। अब बात करते हैं उनके करियर की यानी जॉब, प्रोफेशन, व्यापार और लक्ष्मी उनके पास मेहरबान होगी या फिर नहीं। और अब देखते हैं रिश्तों में कैसा रहेगा, उनकी लव लाइफ में कैसा रहेगा 2020। तो ये रहे आपके सितारे। तो सबसे पहले यहाँ बात करते हैं सेहत की, तो बहुत समय से अगर आप किसी बीमारी का सामना कर रहे हैं तो सेहत के लिए ये साल बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लेकर आने वाला है क्योंकि ये कार्ड स्थिरता, स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो सेहत के मामले में इस साल आप बहुत ज़्यादा गेंस कर सकते हैं, यानी कि आप जितना अपनी सेहत में ऊर्जा डालेंगे, जितना अपनी सेहत को बेटर करने के लिए मेहनत करेंगे, अपने शरीर का ध्यान रखेंगे, उतना आपको उसे दुगना बेनिफिट 2020 पहुंचा सकता है। अब बात करते हैं यहाँ रिलेशनशिप के लिए बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया है, नए रिश्ते बन सकते हैं, मैरिज के लिए बहुत ही उत्तम साल रहने वाला है और मैरिज के साथ साथ संतान योग भी इस साल आपको प्राप्त हो सकते हैं। और बहुत सालों अगर आप देख रहे हैं कि कंपैटिबिलिटी, जिन लोगों को कंपैटिबिलिटी इश्यूज हैं या रिश्ते में शादीशुदा जिंदगी में परेशान हैं, तो 2020 आपके लिए राहत वाला साल हो सकता है अकॉर्डिंग टू माय टैरो कार्ड्स। जी ये रहे एक्वेरियंस के कार्ड जो मैंने बताए। अब बात करते हैं आपके लकी कलर की। जी हाँ दोस्तों, हल्का पीला रंग आपके लिए अत्यंत लाभकारी हो सकता है इस पूरा साल। तो दोस्तों अब बात करें जिससे आपका पूरा साल बेहतर हो सकता है, एक छोटे से ईश्वरीय कर्म की। जब आप अपने घर से किसी भी शुभ कार्य के लिए जाएं तो अपने माता श्री का आशीर्वाद यानी कि उनके चरण स्पर्श करके जाइएगा और जो भी माता तुल्य आपकी बहन, बुआ, मासी हैं उनको इस साल आप खुश रखिएगा, तो देखिएगा ये पूरा साल आपके लिए बहुत ही अच्छा और लकी साबित हो सकता है। जी
जी हाँ दोस्तों, आप बारी है मीन राशि वालों की। जी हाँ, पाइसियंस बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक और बहुत केयरिंग और बहुत ज़्यादा दिमाग वाले होते हैं पाइसियंस। आइए देखते हैं 2020 इनकी किस्मत में क्या लेके आने वाला है और कैसा रहेगा इनका पूरा साल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, वेल्थ और लव लाइफ। तो ये रहे इनके टायरो कार्ड्स। कार्ड्स बताएं मीन यानी पाइसियंस की किस्मत में क्या लिखा हुआ है। तो ये रहे इनके कार्ड्स जो मैं यहाँ उठा रही हूँ। सबसे पहले आइए देखें पाइसियंस की सेहत कैसी रहने वाली है। तो ये रहे आपके कार्ड। और अब बात करते हैं इनकी जॉब में, यानी क्या इनको तरक्की मिलेगी, क्या सफलता इनके कदम चूमेगी इस साल। कार्ड्स बताएं करियर और धन के मामले में कैसा रहने वाला है इनका 2020। तो ये रहे आपके कार्ड्स। और अब बात करते हैं रिश्तों की, यानी कि लव लाइफ कैसी रहने वाली है पाइसियंस की 2020 में। तो ये रहे आपके कार्ड्स। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी सेहत की। तो यानी पीस ट्रीटी कार्ड आया है, इसका अर्थ ये है कि बहुत समय से अगर आप की लाइफ में कोई क्योस चल रहा है, किसी से लड़ाई झगड़ा कर चल रहा है, तो इस साल सुलह हो जाएगी, पीस ट्रीटी हो जाएगी, जो आपको बहुत मानसिक सुख पहुँचाएगी। और जब आप मानसिक तौर पर बेहतर महसूस करेंगे तो शारीरिक तौर पर खुद ब खुद चीज़ें जो हैं बेहतर होंगी इस साल। अब बात करते हैं आपके करियर की। तो करियर में आपका न्यूट्रल साल रहने वाला है, आपको सफलता मिल सकती है, लेकिन आप बहुत कुछ सीखेंगे और बहुत कुछ अपने तजुर्बे से सिखाएंगे भी इस पूरा साल। और इस साल का मध्य के बाद आपका लक फैक्टर जगेगा, यानी कि आपको सक्सेस मिलने के योग नज़र आ रहे हैं टायरो कार्ड्स में। रिश्तों की बात करें तो रिश्तों में लॉयल्टी और कमिटमेंट नज़र आ रही है, क्योंकि स्ट्रेंथ कार्ड है। और जितना ज़्यादा आप फेमिनिन एनर्जी को ध्याएंगे, दुर्गा या काली, जिस भी आप जिस पे भी आपको फेथ है उसकी उपासना करेंगे, अपने घर में जो स्त्रियां हैं उनकी इज्जत करेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए जो है आपकी फ्रीक्वेंसीज और आपकी वाइब्रेशंस बेटर होंगी इस पूरा साल। तो ये थे पाइसियंस के कार्ड्स इस पूरा साल। और अब बात करते हैं आपके लिए कौन सा कलर जो है मरून कलर, अगर आप रेडिश मरून कलर का इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए अत्यंत लाभकारी हो सकता है। और एक छोटी सी टिप आपको बताती हूँ जो आप पूरा साल कर सकते हैं। जब भी आप दिन की शुरुआत करें तो एक पॉजिटिव नोट के साथ आप पानी को ग्रहण कीजिए और उस पानी में अपने राइट हैंड से ऊर्जा दीजिए कि आपका पूरा दिन बहुत ही बेहतर और अच्छा और शुभकारी रहने वाला है। और फिर देखिए जब आप उस पानी को शांत भाव से ग्रहण करेंगे, क्योंकि वाटर जो होता है वो एब्जॉर्बर होता है नेगेटिव और पॉजिटिव ऊर्जा का। जब आप उसे अच्छे संकल्प के साथ ग्रहण करते हैं तो वो बहुत सारा शुभ आपके जीवन में लेकर आता है। तो ये थे मीन राशि वालों के कार्ड्स। मेरी तरफ से मीन राशि वालों को बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी गुड विशेस। तो दोस्तों ये थे 12 राशियों के कार्ड। 2020 उनके लिए कैसा रहेगा ये मैंने आपको बताया, लेकिन आप अपनी किस्मत को अपनी हक में कर सकते हैं बहुत कुछ ऐसा करके, अपने संकल्पों से, अपने हार्ड वर्क से, और साथ ही में ईश्वरीय कर्म करते रहिए, अच्छे कर्म करते रहिए, आपकी किस्मत जो है आपकी मुट्ठी में हो जाएगी। तो दोस्तों जुड़े रहिए एस्ट्रो सेज से, सब्सक्राइब करिए एस्ट्रो सेज टीवी। तो मेरे यानी अलंकृता मानवी की तरफ से आपको 2020 यानी 2020 के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा लक फैक्टर और बहुत सारी खुशियां। नमस्कार। एक कुंडली 100 समाधान, देश की हर ज्योतिषीय पद्धति के समावेश के साथ संपूर्ण आकर्षक और सबसे सटीक एस्ट्रोसेज बृहत कुंडली। आज अभी लें क्योंकि भविष्य में ही छिपे हैं जीवन के संकेत।